साइबर क्राइम पे अपना एक लेक्चर देंगे। हम सभी आजकल जानते हैं साइबर क्राइम क्या है, सबको पता है साइबर क्राइम क्या है, लेकिन किताब में पढ़ना एक गलत चीज़ है। आप न्यूज पढ़ रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है या बता रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, बट जो डेली सुबह से शाम तक श्री प्रशांत सिंह जी, अभी मेरे उनसे बात हो रही थी कि हो सकता है जिससे हम बच सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम उस टेक्निक को नहीं जान रहे हैं जिससे हम इससे फंस सकते हैं उस टेक्निक उस जाल में जो कि उनका वेब है, जो नेटवर्क बनाया हुआ है। तो उसके बारे में हमें विस्तार से सर बताएंगे, और मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि आप अच्छे से इसको सुनें, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, बच्चों के अगर कुछ जागरूकता है तो वो सर से पूछ सकते हैं सर के उसके बाद। तो सभी को मेरी बधाई और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री आर पी गुप्ता सर को, उनका भी बहुत योगदान था इसमें, अभी वो हैं नहीं यहाँ पे, और हमारे फॉरेंसिक के HOD श्री रवि कुमार जी, इनका भी बहुत समय से हमारे पीछे पड़े हुए थे कि सर इस पर कराना है, एंड फाइनली हमने कराया इसको, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, आप इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाइए। धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि वह आए तथा कार्यक्रम की उपयोगिता में अपने ज्ञान से वृष्टि करने की कृपा करें। सिक्योरिटी पे है ये, थोड़ी ना कि सीरियस हो जाना है। सीरियस जब होंगे जब आपको आज के हमारे मुख्य वक्ता बताएंगे कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और क्या क्या गलतियां आप लोग करते हैं। तो इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दैट्स लाइक अ गुड मॉर्निंग। सो आई वेलकम मिस्टर प्रशांत सिंह जी, हु हैज बीन वेरी काइंड एनफ that he has agreed to come today and grace our university, and I have been told about by Mr. Dr. Navneet Kumar ji. इन्हें हमको और अच्छी आवाज अगर आ गई फोन पे तब तो फिर बात ही क्या है ना। तो कई देखिए, कभी भी इंसान अगर थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल करे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें क्या छोटी छोटी चीजों से बच सकता है, बट जहां आपको थोड़ा सा भी एक लालच कहीं दिखाई देता है ना, लालच किसी भी तरीके का हो सकता है, वो पैसे से संबंधित भी हो सकता है, और आप लोग जिस एज में हैं वो आप जानते हैं कि कुछ आवाज आप लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है, तो उसी में आप फंसते हैं, और उसमें आप ही लोग नहीं फंसते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स फंसते हैं। ठीक, तो जब हम बात करते हैं ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यू नो दैट नाउ दैट इज एन इननेट पार्ट ऑफ योर करिकुलम ऑल्सो। Government is also stressing on how to use the ICT tools and techniques in the classroom teaching. Academic examination आपको अगर pass करना है तो एक बहुत बड़ा औजार आपके हाथ में दे दिया गया है कि आप उसको dictate करिए, वो आपको पूरा का पूरा paper pass करके दिखा देगा। और Wharton Business School का उसने entrance examination तक pass करके दिखा दिया। तो अगर आपके हाथ में इस तरीके के आज technology related innovations हैं, then we have to understand that they are very lucrative to use, but how much secured you are towards these threats, that is the pertinent question for all of us to address. And I am very happy that IAC of the university is taking stride in these efforts, and especially College of Paramedical Sciences to take the security actions in order to protect ourselves and become cyber intelligent. So for, with these words, thank you so much and congratulations to all the organizers. और ये जो दोनों बच्चों ने आज अपना ये प्रोग्राम कन्वीन करने की शुरुआत करी है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्टार्ट, बिकॉज द स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत करता हूँ, तो आप उसको ले लो, मैं शाम को, कल को या परसों आपसे पैसे ले लूंगा। हुआ है किसी के साथ इस टाइप से, या पांच पड़ोस में किसी के, एक दो मुझे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, नोन आएगा इसमें, फ्लिपकार्ट ही बताऊंगा मैं आपको। तो फ्लिपकार्ट में क्या होगा, बेसिकली उनका मेन उद्देश्य ये होगा उसके अंदर, वो लाइन आपको काटने नहीं देंगे, वो इतना आपको प्रेशर में ले लेंगे फोन, अच्छा ठीक है अभी चेक करो इसको, पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, क्यू आर कोड ही भेजेंगे आपको, और वो कहेंगे जरा बैलेंस चेक कर लो अपना। तो आपको क्या करेंगे, वो क्यू आर कोड जो भेजेंगे तो उसमें आपसे कहेंगे कि मैं आप इसमें अपना कोड डालो, और एक रुपये देखो आपके खाते में आए नहीं आए, तो आप क्या करो बेसिकली डाल कर अपना UPI पिन, तो आपके खाते में एक या दो रुपये आ चुके होंगे। वो होता क्या है, वो आदमी आपके खाते में एक रुपए दूसरे अकाउंट से भेज देता है, हम समझ नहीं पाते उस समय उस चीज को। फिर उसके बाद तुरंत क्या होगा, वो कहेगा जी अब मैं दोबारा भेज रहा हूँ उसको 20,000 का, एक रिक्वेस्ट पे का भेजेगा आपको, और आप नहीं समझ पाएंगे कि वो पे है
एक्सेप्ट करना है या उसको क्या करना है, उसको बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके होंगे आप, क्योंकि आप हो सकता है कहीं बिजी हो सकता है काम में हो, या हो सकता है कोई पड़ोसी आपका हेल्प कर रहा हो उसके अंदर, 19,000, 20,000, 40,000 उसका भी डाल सकता है वो। जैसे ही वो डालेंगे पैसे कट जाएंगे, तो दोबारा फोन करेगा जी वो तो पैसे कट गए, अरे नहीं नहीं कुछ टेक्निकल अगर है ऐसा करिए आप दोबारा डालिए इसके अंदर, फिर दोबारा क्यू आर कोड भेजेगा, फिर आप दोबारा डालेंगे और दोबारा क्या करेगा डबल डालेगा, इस बार 20 का वो 40 डालेगा, फिर आपको पता चला कि 20 तो हो गए और 40 और चलेगा, तीसरी बार में आप समझ चुके होंगे कि आप जो है फ्रॉडिस्टर के जहां से मार चुके हैं, फिर आप परेशान हो गए, फिर आप क्या करना है कैसे करना है, फिर आप समझ नहीं पाते हो, फिर कोई कहेगा कि अब तो गए, फिर कोई कहेगा कुछ कोई कुछ, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको करना क्या होता है, जिसमें आप इमिडिएटली अगर कर लेंगे तो पैसों को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये चीज में हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको फोन करे अनजान नंबर से तो आपने ध्यान नहीं देना उस चीज पे, क्लियर है। पेमेंट बहुत बड़ी पेमेंट नहीं है, 5 रुपए के भी करवा सकता है, बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर वो आपकी फाइनेंशियल जो पिन है उसको वो जानना चाहता है। तो कभी भी हमें गूगल केयर, गूगल पे जब भी हम नंबर टाइप करेंगे और 10 डिजिट का नंबर आपको शुरू कर गया, अमूमन जो कस्टमर केयर नंबर होता है वो 1800 से शुरू होता है। अब फ्रॉडस्टर ने यहाँ भी इसमें गड़बड़ी कर दी है कि वो भी अब 1800 का जो है वर्चुअल नंबर उन्होंने क्रिएट कर लिया है, तो अगर मान लीजिए आप किसी को फोन